मूवी की शुरुआत होती है डॉक्टर पति पत्नी जोश और सोफिया से, जो एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलंबिया आए थे। दोनों एक दूसरे से तंग आ चुके थे और जल्द ही तलाक लेने वाले थे। वहाँ वे उनके एक साथी मार्को से मिलने वाले थे। मार्को को इनके खराब रिश्ते के बारे में नहीं पता था, तो उसने होटल में इन दोनों के लिए एक ही कमरा बुक किया था। बाद में तीनों एक साथ डिनर में मिले। वहाँ मार्को को पता चलता है कि उन दोनों का तलाक होने वाला है। तीनों अगली सुबह हाइक पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन अगली सुबह एन वक्त पर मार्को हाइक के लिए आ नहीं पाता। इसलिए अब जोश और सोफिया दोनों हाइकिंग के लिए जाने का फैसला करते हैं। रिसेप्शन पर मैप पे उन्हें हाइकिंग के लिए दो रास्ते दिखाए जाते हैं, एक लंबा और एक शॉर्टकट। रिसेप्शनिस्ट दोनों को शॉर्टकट वाले रास्ते पर न जाने की सलाह देता है, क्योंकि वो रास्ता खतरनाक है। इसके बाद वे दोनों गाड़ी से पहाड़ी पर पहुंचे और फिर पैदल जंगल में आगे बढ़े, लेकिन मौसम बारिश नुमा हो रहा था, इसलिए वो वापस अपनी गाड़ी के पास आते हैं। वहाँ उन्हें एक चोर उनकी गाड़ी खोलने की कोशिश करता दिखता है। जोश उसे सबक सिखाने आगे जाता है, तो वो चोर बंदूक निकालता है। जोश उस चोर पर हमला करता है और फिर जोश और सोफिया जान बचाने जंगल की ओर भागते हैं। वहाँ चोर भी अब फायर करते हुए उनका पीछा करता है, इसलिए दोनों अब शॉर्टकट वाले रास्ते को अपनाते हैं, जो कि खतरनाक रास्ता था, ताकि वो चोर उस रास्ते पर उनके पीछे ना आए। अब भागते भागते सोफिया एक दलदल में गिरती है। जोश सोफिया को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर सब बेअसर होता है। अब सोफिया चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी और धीरे धीरे उस दलदल में पूरी डूब गई। ये देखकर जोश सोफिया को बचाने उस दलदल में कूदता है। वो सोफिया को बचाता तो है, मगर अब दोनों भी इस गहरे दलदल में फंस चुके थे। तभी दोनों को दलदल के अंदर एक लाश मिलती है। वहीं उन्हें उस लाश के पास एक बैग भी मिला। उस बैग में उन्हें एक बंदूक और चाकू मिलता है। अब दोनों बैग को काटकर उसकी रस्सी बनाने लगते हैं, ताकि पास वाले पत्थर पर अटकाकर वो बाहर निकल सके। उधर देर होने पर मार्को को अपने दोस्तों की चिंता होने लगी। तभी उसे वही चोर होटल में जोश के बैग लिए दिखा। मार्को जोश के बैग पहचान लेता है और उस शख्स से उलझने लगता है, पर बात और बिगड़ने पर होटल स्टाफ उन दोनों को पुलिस के हवाले करते हैं। वहाँ उन दोनों ने रस्सी तो बनाई, पर वो रस्सी अभी भी शॉर्ट पड़ रही थी। तभी उन्हें आसमान में हेलीकॉप्टर दिखता है, पर अफसोस कि वो हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं देख पाता। अब सोफिया के पीठ पर चींटियां काटने लगती है, पर जोश की दारू की बोतल से वो चींटियां साफ हो जाती है। तभी एक बड़ा अजगर वहां आता है और जोश को काटता है। अब जोश के गर्दन पर नसें काली होने लगी थी और वो अपना होश भी खो रहा था। वहाँ जेल में मार्को उस चोर को अपनी कीमती घड़ी देकर जोश और सोफिया की जानकारी मांगता है। वो चोर सारी बात बताता है कि वे दोनों उस खतरनाक शॉर्टकट वाले रास्ते पर गए हैं। मार्को उस फौरन ये पुलिस को बताता है। यहाँ सोफिया अब उस अजगर को मारकर उसकी रस्सी बनाना चाहती है, इसलिए वो गन से अजगर पर फायर करती है। निशाना तो लगा नहीं, पर अजगर उनके पास वापस आने लगा। वो सोफिया के गर्दन पर दबाव डालने लगता है, पर तभी जोश उस अजगर को चाकू से मार देता है। फिर सोफिया अजगर को रस्सी से बांधकर पास वाले पत्थर पर फंसाती है और जोर लगाकर सोफिया आखिर बाहर निकल आई। वो अब जोश को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर जोश में साथ देने की ताकत अब नहीं बची थी, इसलिए अब सोफिया हाईवे की तरफ मदद के लिए दौड़ती है। तभी वहाँ मार्को पुलिस के साथ वहाँ आता है। सोफिया उन्हें जोश को बचाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वे जोश को भी उस दलदल से बचा लेते हैं। जोश को जिंदा देख सोफिया भावुक हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। इस तरह उन दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो गई।